हमें इस बात की भी खुशी है कि आज से ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक नए भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहे हैं और ये भी सोने में सुहागा है कि एकता के पुजारी सरदार साहब की जन्म जयंती पर ही लद्दाख जम्मू और कश्मीर अपने उज्जवल भविष्य की ओर मजबूत कदम उठा रहे हैं। हाल ही में मेरे भाइयों बहनों, अभी पिछले हफ्ते वहां पर ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव में, और आप जानकर के हैरान होंगे, आजादी के बाद इतने सालों तक लोकतंत्र की बातें बहुत हुई लेकिन जम्मू कश्मीर के नागरिकों को लोकतंत्र का वो अधिकार नहीं मिल पाया। धारा 370 को बहाना बनाया गया, बीडीसी के चुनाव नहीं हुए कभी। पहली बार आजादी के बाद पहली बार बीडीसी के चुनाव हुए और मतदाता पंच सरपंच होते हैं। अभी पिछले हफ्ते चुनाव हुआ, 98% पंच सरपंचों ने वोट डाला। ये भागीदारी अपने आप में एकता का संदेश है, सरदार साहब का पुण्य स्मरण है। अब जम्मू कश्मीर में एक राजनीतिक स्थिरता आएगी। अब निजी स्वार्थ के लिए सरकारें बनाने और गिराने का खेल बंद होगा। अब क्षेत्र के आधार पर भेदभाव के शिकवे और शिकायतें खत्म हो जाएगी। अब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की असली भागीदारी, विकास यात्रा के लिए कदम से कदम मिलाकर के चलने का युग का आरंभ होगा। नए हाईवे, नई रेलवे लाइनें, नए स्कूल, नए कॉलेज, नए अस्पताल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। साथियों, अगस्त के महीने में राष्ट्र के नाम संबोधन में मैंने जम्मू कश्मीर के लोगों से एक और वादा किया था। मैंने कहा था कि राज्य के कर्मचारियों को, जम्मू कश्मीर पुलिस को दूसरे केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों के बराबर, यूनियन टेरिटरीज के एम्प्लॉयज के बराबर सुविधाएं मिलेगी। मुझे खुशी है कि आज से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सभी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग द्वारा स्वीकृत भत्तों का भी लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। साथियों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में नई व्यवस्थाएं जमीन पर लकीर खींचने के लिए नहीं है, ये मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। ये हमारा निर्णय जमीन पर लकीरें खींचने के लिए नहीं है, बल्कि विश्वास की एक मजबूत कड़ी बनाने के लिए किया गया सार्थक प्रारंभ है। यही विश्वास है जिसकी कामना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए की थी, सपना देखा था। और मैं फिर दोहराऊंगा, देश की एकता पर होने वाले हर हमले को हम परास्त करेंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। देश की एकता को तोड़ने के किसी भी प्रयास को लोकतांत्रिक ताकत इतनी बड़ी होती है,
जन भावना इतनी मजबूत होती है कि वे कभी भी टिक नहीं पाएगी।